बिहार बोर्ड से जितने भी परीक्षार्थी OFS के पोर्टल पर इंटरमीडिएट सत्र 2024 से लेकर 26 में नामांकन के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं, सबसे पहले आपको क्लास 11th में मेरिट लिस्ट के आधार पर नामांकन होगा। बिहार बोर्ड बता रहा था कि जहां से आप मैट्रिक किए हैं वहीं से आपको इंटर करना भी होगा। सभी तैयारी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पूर्ण कर लिया था, लेकिन पटना हाईकोर्ट के फैसला के बाद पुराना नियम जो लागू किया गया था वह पुराना नियम हटा दिया गया, अर्थात कि प्रथम बार आपका प्रथम मेरिट लिस्ट जारी होंगे, उसी प्रकार से आपका द्वितीय मेरिट लिस्ट, तृतीय मेरिट लिस्ट भी आपका जारी होंगे। तो प्रथम मेरिट लिस्ट, द्वितीय मेरिट लिस्ट जारी करेंगे और आप स्लाइड अप वगैरह भी कर सकते हैं, स्पॉट एडमिशन का भी मौका आपको मिलेंगे। तो देखिए आइए समझते हैं कि ये सभी जानकारी कि प्रथम मेरिट लिस्ट, द्वितीय मेरिट लिस्ट और तृतीय मेरिट लिस्ट जारी होगा कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर बताया जा रहा है, यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे, तीन बार जारी होगा मेरिट लिस्ट, सीटों खाली रही तो ऑन द स्पॉट आपका नामांकन होंगे। और उसके साथ साथ यहाँ पर यह भी बताया जा रहा है कि कल से जारी होगी पहली मेरिट लिस्ट, इसी आधार पर होगी आपका दाखिला, अर्थात कि कल से आपका मेरिट लिस्ट जारी होने का संभावना 100% है, यहाँ पर ऑफिशियल अपडेट में बताया जा रहा है। लेकिन तीन बार जारी होगी मेरिट लिस्ट भी, सीट खाली रही तो ऑन द स्पॉट आपका नामांकन होंगे। आइए ध्यान से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि इंटर में नामांकन के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से तीन बार मेरिट लिस्ट जारी होगी, बावजूद भी अगर सीट खाली रही तो उसमें फिर स्टूडेंट के ऑन द स्पॉट आपका एडमिशन को भी मौका मिलेंगे। देखिए आवेदन की प्रक्रिया आपका काफ़ी दिन पहले ही आवेदन की प्रक्रिया आपका समाप्त कर दिया गया है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा। तो स्टूडेंट लॉगिन करके आपको मैं डाउनलोड करके इंटीमेशन लेटर काफ़ी दिन से लिंक दिया गया है, स्टूडेंट लॉगिन करेंगे तो आप वहां पर देखेंगे कि इंटीमेशन डाउनलोड का लिंक वहां पर दिया गया है, हालांकि लिंक अभी तक एक्टिव नहीं किया गया है। आपको लाइव मैं सिखाऊंगा कि कैसे अगर आपका मेरिट लिस्ट आएंगे तो कैसे आप अपना मेरिट लिस्ट देखेंगे और उसके साथ साथ इसे डाउनलोड कैसे करेंगे वो भी मैं आपको दिखा देने जा रहा हूँ। तो चलिए समझते हैं कि पहले सबसे पहले कि आपका मेरिट लिस्ट आएगा तो कब आएगा, आखिर मेरिट लिस्ट अब तक कब तक जारी किया जाएगा, ध्यान से समझ लीजिए। यहाँ पर देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि 11वीं के विद्यार्थी को मेरिट लिस्ट का इंतजार, 11वीं में अपनी पसंद के स्कूल में एडमिशन के लिए विद्यार्थी बोर्ड की ओर जारी, बोर्ड से जारी की जाने वाली मेधा सूची का इंतजार कर रहे हैं। स्कूल में एडमिशन की प्रक्रिया मेधा सूची जारी होने के बाद स्कूल में इंटीमेशन लेटर मिलने के बाद शुरू की जाएगी 11वीं में एडमिशन की प्रक्रिया। नहीं होने की वजह से स्कूलों में नियमित रूप से 11वीं की कक्षाएँ भी संचालन नहीं हो पा रही है। शहर में स्कूलों को प्रधानाचार्यों को कहना है कि काफ़ी कम संख्याओं में विद्यार्थी क्लास में पहुंच रहे हैं। फिलहाल 11वीं में वैसे विद्यार्थी की हालांकि क्लास शुरू की गई है जो उसी स्कूल के छात्र हैं और या फिर उन्हें यहां पर देखिए ऑप्शन में उसी स्कूल का नाम भरा है। यहां पर क्या बताया जा रहा है कि यहां पर बताया जा रहा है कि अगर मान लीजिए काफ़ी दिन से क्लास 11वीं के विद्यार्थी के स्कूल में जो है वो आपका क्लास वगैरह भी शुरू हो चुका है और उसके बाद वह क्लास वगैरह शुरू हो चुका है तो वहाँ पर काफ़ी कम समय में विद्यार्थी वह स्कूल में पहुँच रहे हैं, प्रधानाचार्य का कहना यही है, और जिसके कारण वहाँ पर आपका संख्या बहुत कम होती है तो क्लास पे पहुंचती है। तो फिलहाल 11वीं के वैसे विद्यार्थी का क्लास शुरू की गई है, क्लास वगैरह शुरू हो चुकी है, सिलेबस वगैरह सभी चीज़ चल रहा है तो उसमें काफ़ी कम समय विद्यार्थी आ रहा है, काफ़ी कम विद्यार्थी आ रहा है तो काफ़ी विद्यार्थी का क्लास वगैरह छूट रहा है। जो कि मान लीजिए कोई भी विद्यार्थी अगर साइंस स्ट्रीम से तैयारी करता होगा, कोई आर्ट्स से, कोई कॉमर्स से, तो इसमें से किसी भी स्ट्रीम से तैयारी करता होगा तो उसका सिलेबस वगैरह सब छूट रहा है। इसीलिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति शहर के स्कूलों को कहना है कि शहर के स्कूल में कहा है कि काफ़ी कम में विद्यार्थी क्लास रूम में पहुँच रहे हैं। तो फिलहाल 11वीं के वैसे विद्यार्थी क्लास शुरू की गई है जो इसी स्कूल में छात्र है या किसी ऑप्शन में उसी स्कूल का नाम भरा है, तो ऐसे छात्रों को क्लास 11 की पढ़ाई शुरू हो चुके हैं तो सभी को एडमिशन यहाँ पर स्कूल में लिया जाए और उसके बाद सभी का क्लास वगैरह जारी हो जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपका मेधा सूची जारी होंगे तभी आपका स्कूल होगा, आपका मेधा अर्थात की मेरिट लिस्ट जारी होंगे तभी आपका एडमिशन होगा। तो आप क्लियर समझ चुके हैं। आइए आखिर में समझते हैं कि यह मेरिट लिस्ट क्यों नहीं जारी हो जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर मेरिट लिस्ट क्यों नहीं जारी हो रहा है तो आपको यहाँ पर क्लियर समझना है कि देखिए यहाँ पर सेशन लेट होने के लिए निर्धारित समय के सिलेबस पूरा करने की होगी दिक्कत। सेशन अगर आपका लेट हो जाएंगे पढ़ाई में तो आपको सिलेबस पूरा कैसे कर पाएंगे, इसमें आपको दिक्कत हो जाएंगे। छात्रों को ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिलेंगे तो नामांकन आपका बाधित, अर्थात कि आपको ओरिजिनल मार्कशीट अभी तक क्लास 10th का ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिला है, जैसे ही ओरिजिनल मार्कशीट आएंगे उसके 1 से 2 दिन के बाद आपका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाएगा। तो यहां पर देखिए बताया जा रहा है कि बिहार बोर्ड सत्र 2024 से लेकर 26 में छात्रों को अब तक 11वीं कक्षा में ओरिजिनल मार्कशीट नहीं मिलने के कारण दूसरे राज्य में नामांकन नहीं हो रहा है। रिजल्ट प्रकाशित हुआ 2 माह बीत चुके हैं, 50,000 छात्रों को मार्कशीट का इंतजार है। छात्रों को यहाँ पर देखिए असमंजन के लिए स्थिति तीसरे यहाँ पर बीते रहे। 12वीं की ओर 10वीं और 12वीं के छात्रों को प्रमाण पत्र लेने के लिए किसी भी प्रकार की सूचना शिक्षा विभाग नहीं दी है, अर्थात कि यहाँ पर आपको क्लियर समझना है कि जिस प्रकार आपने देखा क्लास
ट्वेल्थ में, अर्थात कि ट्वेल्थ में जो आप पहले ओरिजिनल मार्कशीट आया, आपका एस सी एल सी आया, एस एल सी आया, क्लास इलेवंथ का एस एल सी आया, तो उस प्रकार आपने देखा कि आपका सी एल सी आने के बाद ही आपका उसका बी ए पार्ट वन का मेरिट लिस्ट जारी हुआ। इसी तरह आपका क्लास टेंथ में इलेवंथ का मेरिट लिस्ट कब आएंगे, तो जब आपका एस एल सी आएंगे, आपके विद्यालय में मार्कशीट आएंगे क्लास टेंथ का, एस एल सी आएंगे प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तब आपका इलेवंथ का आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उससे पहले आपको मेरिट लिस्ट नहीं जारी होगा। तो अब आइए समझते हैं कि इस मेरिट लिस्ट कब जारी होंगे, और उस चलिए मैं आपको बता देने जा रहा हूँ कि आपका लिंक वगैरह अगर एक्टिव है तो कैसे आप देखेंगे आपको स्टूडेंट लॉग इन करके कि आपका सभी डाटा सही है कि नहीं, क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति काफ़ी दिन पहले इसका वेबसाइट का क्लोज कर दिया है यहाँ पर कोई भी, और उसके साथ साथ दो दो ऑप्शन भी आपको दे दिया है, प्रथम ऑप्शन आपका स्लाइड अप का, दूसरा डाउनलोड इंटीमेशन का। तो चलिए हम लोग आपको दिखा देने जा रहे हैं स्टूडेंट लॉग इन करके एक छात्र का, तो ध्यान से बने रहिए और चलिए सीख लेते हैं। चलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्टूडेंट लॉगिन करेंगे, आपको दिखा दे रहा हूँ कि किस रूप में वहाँ पर इंटीमेशन लेटर वगैरह विकल्प दिया गया है, उसे डाउनलोड करने का विकल्प दिया गया है। जैसे ही मेरिट लिस्ट आएंगे आप यहाँ पर अपना नाम देख पाएंगे सिंपल सा, तो आपको क्या करना है ध्यान से समझ लीजिए, सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फोन में गूगल क्रोम ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम ब्राउजर जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से, इसी प्रकार से आपका इंटरफेस आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आपको देखने को मिलेंगे। सिंपल सा आएंगे, इस गूगल सर्च बॉक्स में आपको लिख लेना एस के नॉलेज क्लास। जैसे मैं आपके सामने एस के नॉलेज क्लास आपके सामने एक एक स्पेलिंग टाइप करता हूँ, इसी रूप में आपको टाइप करना है, और उसके बाद आपको क्या कर देना है सर्च कर देना है। चलिए इसी प्रकार से आपको एसके नॉलेज क्लास लिखकर जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने सर्च रिजल्ट इस प्रकार से ओपन होंगे। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आएंगे तो यहाँ पर आप क्लियर देख पाएंगे एसके नॉलेज क्लास का ऑफिशियल होम, और यहाँ पर आप क्लियर देख पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने कुछ इस प्रकार से शो करेंगे। सिंपल सा इसी ऊपर वाले लिंक पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, चलिए मैं आपके सामने क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए एसके नॉलेज क्लास का ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने शो करेंगे कुछ इस प्रकार से। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आएंगे तो यहाँ पर देखिए हर एक चीज यहाँ पर अपडेट किया जाता है। तो अगर आप टेंथ में ट्वेल्थ में किसी भी चीज प्रकार का मॉडल पेपर रजिस्ट्रेशन कार्ड वगैरह जितना भी आपका संपूर्ण जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी इस वेबसाइट पर। उसके साथ साथ अगर आपका एडमिशन होंगे तो कौन सा फॉर्म भरेंगे, हर एक चीज यहाँ पर अपडेट किया जाता है। तो आपको इस चैनल पर रहना है और चैनल को सब्सक्राइब कर इसी वेबसाइट्स के माध्यम से आपको हर एक चीज अपना डाउनलोड करना है। तो चलिए मैं आपको सिखा देने जा रहा हूँ कि आपको गूगल क्रोम ब्राउजर में आप आएंगे तो एसके नॉलेज क्लास लिखकर उस पर आपको टाइप करेंगे। जैसे आप सर्च कीजिएगा तो आपके सामने एसके नॉलेज क्लास का ऑफिशियल वेबसाइट आएंगे, और उसके सामने शो वाले लिंक पर आपको क्लिक करेंगे। सिंपल से यहाँ पर क्लिक करके आने के बाद यहाँ पर आप आएंगे क्लास एडमिशन वाले सेक्शन में। एडमिशन वाले सेक्शन में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर मैं आया, तो जैसे मैं यहाँ पर आया तो सबसे पहले ऊपर में ही हेडिंग लाइन कर दिया है कि बिहार बोर्ड इलेवंथ एडमिशन मेरिट लिस्ट। सिंपल सा इसी वाले लिंक पर आपको क्या करना है क्लिक करना है। जैसे मैं आपके सामने क्लिक किया आपके सामने यहाँ पर देखिए एसके नॉलेज क्लास का जो ऑफिशियल वेबसाइट का जो लिंक था, यहाँ पर हर एक चीज बारे में आपके बारे में बताया गया कि इलेवंथ में एडमिशन आप कैसे करा सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर इंटीमेशन लेटर डाउनलोड होता है तो किस फॉर्मेट में रहेंगे यहाँ पर आप क्लियर देखिए। इसी प्रकार से आपको अपना बार कोड नंबर जो कि आपको अर्थात की जो आप कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर में देखेंगे फोटो के ऊपर में, तो वहाँ पर बार कोड नंबर भरेंगे, फिर अपना मोबाइल नंबर भरेंगे और यह कैप्चा इस बॉक्स में फिलअप कर आप ऐसे भरेंगे, और उसके बाद प्रिंट करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर प्रिंट आउट उसका निकल जाएंगे आपका इंटीमेशन लेटर का। मेरिट लिस्ट क्या है एक एक जानकारी यहाँ पर लिख रहा है, यही है आपका बारकोड नंबर, मैंने जो आपको बताया ऊपर में यही बारकोड नंबर आपको भरना है, जो आपका मोबाइल नंबर है वो बारकोड नंबर अर्थात कि वो आपको मोबाइल नंबर और ये बारकोड नंबर आप भर देंगे, और उसके बाद प्रिंट वाले कैप्चा भरकर प्रिंट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए कॉलेज का नामांकन में क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो आपको यहाँ पर ये सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखना है। सबसे पहले आपको इंटीमेशन लेटर, देखिए पहले आपको मार्कशीट आया, मैं आपको वीडियो में बताया हूँ, पहले आपको मार्कशीट आएंगे उसके बाद ही आपका इंटीमेशन लेटर डाउनलोड करने का लिंक एक्टिव करेंगे। फिलहाल मैं आपको आगे बता दूंगा कि कैसे आपको यहाँ पर एक्टिव जो लिंक किया गया है, तो कैसे आप वहाँ पर देखेंगे कि एक्टिव लिंक किया गया तो उसमें किस प्रकार से आपका विकल्प दिया है, जो मैं आपको दो विकल्प बताया, एक स्लाइड अप का और दूसरा आपका। तो चलिए ध्यान से, उसके बाद आपको आधार कार्ड को फोटो कॉपी करा के रखना है, मोबाइल नंबर एक तैयार कर, बैंक पासबुक, और उसके साथ साथ आपको मैट्रिक का मार्कशीट आपको लगेंगे, यही के कारण आपका अभी इंटीमेशन लेटर नहीं आ रहा है। फिर आपको ओरिजिनल एस एल सी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ये भी आपको लगेंगे, जाति आवास या निवास प्रमाण पत्र, ये तीनों अगर नहीं बनाए हैं तो जल्दी से बनवा लीजिए। और उसके बाद कुछ रुपये आपके ये तो स्कूल के ऊपर डिपेंड करता है किस प्लस टू विद्यालय का कितना फी है। उसके बाद आपका अगर प्रथम मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा तो द्वितीय मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आएगा, तो उसके बाद तृतीय मेरिट लिस्ट में नाम आएंगे, उसके बाद आपको नहीं आएंगे तो आपको स्पॉट एडमिशन कराना होगा। तो ये भी चीज के बारे में जानकारी यहाँ पर बताया जाए। सबसे पहले आपको जैसे मेरिट लिस्ट आएंगे इसके बाद डाउनलोड करने के लिए लिंक यहाँ पर भी क्लिक करेंगे, नहीं तो यहाँ पर इंटीमेशन लेटर डाउनलोड सिंपल साइज पर भी क्लिक करेंगे। चलिए मैं आपको फर्स्ट मेरिट लिस्ट 2024 डाउनलोड लिंक यहाँ पर दिया गया, सिंपल साइज पर क्लिक किया, आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएंगे। तो फिलहाल मैं आपको बताया कि यह लिंक अभी काम नहीं कर रहा है, तो आपको क्या करना है स्टूडेंट लॉग इन कर लेना है, ठीक है। स्टूडेंट लॉग इन जैसे ये काम करेंगे तो ये एक्टिव हो जाएंगे, लेकिन आपको स्टूडेंट लॉग इन कर, चलिए मैं वो विकल्प आपको दिखा देने जा रहा हूँ। जैसे पहले आपको स्टूडेंट लॉग इन करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पर जो आपको थ्री लाइन वाले ऑप्शन देख रहे हैं सिंपल साइज पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे आपका स्टूडेंट लॉगिन का विकल्प आपको देखने को मिल रहा है, सिंपल साइज वाले लिंक पर आपको क्या करना है क्लिक करना है। जैसे मैं आपके सामने क्लिक किया आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेंगे, सिंपल से आएंगे यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे मैं आपके सामने लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक किया आपके सामने कुछ इस प्रकार से आपके सामने पेज ओपन करेंगे, तो सिंपल से आएंगे यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर भरना है और उसके बाद पासवर्ड, पासवर्ड आप भूल चुके होंगे तो आपको क्या करना है सिंपल सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर आएंगे, यहाँ पर देखिए आपके
पास देखने को मिलेंगे। आपको फॉरगेट पासवर्ड का विकल्प आपको दिया गया है। सिंपल सा इस वाले लिंक पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे मैं आपके सामने क्लिक किया, आप यहाँ पर देखिए बार कोड नंबर जो आप बताए वो भी आप दे सकते हैं, नहीं तो आप अपना मोबाइल नंबर भी देकर आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर आपका पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए एक अपना मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर सेंड कर फिलअप कर जनरेट ओटीपी पर आप क्लिक करिएगा तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज दिया जाएगा। तो आपको क्लियर समझना है। आप चलिए बैक टू लॉगिन कैसे करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर आएंगे फिर सिंपल सा आपको जो आप अपना मोबाइल नंबर दिए थे वही मोबाइल नंबर पर यहाँ पर फिलअप करना है। चलिए मैं एक छात्र का फिलअप कर दिखा देने जा रहा हूँ। जैसे मैं आपके सामने सभी डाटा फिलअप कर दिया उसके बाद यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको लॉगिन वाले ऑप्शन, सिंपल से आएंगे यहाँ पर लॉगिन वाले विकल्प पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप लॉगिन वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखिए सभी डाटा आपका इस प्रकार से शो करेंगे। सिंपल से आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको मैं जो बता रहा था दो लिंक जो आपके कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म अर्थात कि ओएफएस के पोर्टल पर जो आप ऑनलाइन आवेदन किए हैं उसके बाद आप ओटीपी पासवर्ड से यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे तो पहले आपका दो विकल्प नहीं दिया गया था। कौन कौन सा विकल्प नहीं दिया गया था, तो चलिए सिंपल सा यहाँ पर थ्री लाइन वाले ऑप्शन पर आपको क्या करना है, क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपके सामने, यहाँ पर देखिए आपके सामने यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे, आपको दिखा देने जा रहा है। सबसे पहले आपका पर्सनली डिटेल का है, फिर आपका कॉमन एप्लीकेशन प्रिंट का है, ये जो आप विकल्प देख रहे हैं ये जो आपका पहला विकल्प है। चलिए ये जो आपका स्लाइड अप का और ये आपका डाउनलोड इंटीमेशन का है। कैसे आप पता करेंगे, तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ पर इसका यहाँ पर कर लेता हूँ। यहाँ पर डेस्कटॉप साइड में आप सिंपल से आएंगे, डेस्कटॉप साइड करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये जो आप विकल्प देख रहे हैं पहला आपका पर्सनली डिटेल का था, पहले से आपका ये तीन ही विकल्प आपको पहले देखने को मिल रहा था। ये जो नया विकल्प मैं आपको जो बताने का प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियो में, ये आपका यहाँ पर देखिए सबसे पहला विकल्प आपका स्लाइड अप का यहाँ पर देख सकते हैं और उसके बाद डाउनलोड इंटीमेशन का है। तो स्लाइड अप का क्या है, स्लाइड अप का मतलब क्या है, तो चलिए समझा देते हैं आपका स्लाइड अप का मतलब क्या होता है। ये जो आप अपना कॉलेज का नाम भरे हैं यहाँ पर, जो आप अपना कॉलेज का नाम भरे हुए हैं, जैसे कि आप अपना 10 कॉलेज का नाम दिए हुए हैं, ठीक है। मान लीजिए प्रथम मेरिट लिस्ट में आपका नाम आएगा तो मान लीजिए इस 6ठे नंबर वाले कॉलेज में, या आपका 5वें नंबर कॉलेज में इस छात्र का नाम आ गया एमएल एकेडमी लहरिया सराय दरभंगा, इस नाम के कॉलेज में इस छात्र का नाम प्रथम मेरिट लिस्ट में आ गया और ये छात्र चाहता है हम ये कॉलेज में नामांकन नहीं ले बल्कि या दूसरा नंबर वाले कॉलेज में ले चाहे या पहला नंबर वाले कॉलेज में ले। अगर ये छात्र ऐसा चाहते हैं कि मेरा नामांकन तो 5वें नंबर कॉलेज में वाला मेरिट लिस्ट में आ गया, मुझे तो 5वां नंबर के कॉलेज में अपना नामांकन लेना पड़ेगा, तो ये छात्र क्या करेंगे, तो सबसे पहले जो प्रथम मेरिट लिस्ट आया है तो 5 नंबर के कॉलेज में यहाँ पर इसका मेरिट लिस्ट आ गया है, तो सबसे पहले यह छात्र इस काम करे कि अपना 5 नंबर वाले कॉलेज में सबसे पहले उसको एडमिशन करा लेना होगा, ठीक है। एडमिशन कराने के बाद यहाँ पर आएंगे, ये विकल्प आपको इसीलिए दिया गया है, एडमिशन कराने के बाद आपको 1 सप्ताह के अंदर में आपको यहाँ पर स्लाइड अप कर लेना। आगे मैं फिलहाल इसका वीडियो बना दूंगा, अगर आप कमेंट करेंगे स्लाइड अप कैसे करेंगे इस पर मैं जरूर वीडियो बना दूंगा, आपको देख लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आएंगे नामांकन करा लेंगे उसके बाद वह स्लाइड अप करेंगे तो हो जाएंगे। फिलहाल अभी इसका पोर्टल नहीं काम कर रहा है, यहाँ पर देखिए सभी डाटा यहाँ पर अटैक किया जा रहा है। तो यहाँ पर बताए डेडलाइन फॉर स्लाइड अप सिलेक्शन इज ए कंप्लीट, यानी कि आपका सभी डाटा यहाँ पर आपका सभी काम समाप्त कर लिया गया है, कभी भी आपका मेरिट लिस्ट जारी हो सकता है। उसी प्रकार यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर आपको चलिए एक बता देते हैं कि इसका जो अगर डाउनलोड इंटीमेशन लेटर का जो यहाँ पर विकल्प दिया जा रहा है, फिर दूसरा विकल्प यह है कि डाउनलोड इंटीमेशन लेटर, यह विकल्प से क्या होता है तो आपको मैं बताया, इस विकल्प से आपका डाउनलोड प्रथम मेरिट लिस्ट आएगा उसे जारी होगा। तो कैसे, यहाँ पर देखिए डेडलाइन इंटीमेशन डाउनलोड कंप्लीट, तो किस प्रकार से आप मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर पाएंगे, तो चलिए मैं आपको सिखला देने जा रहा हूं। जैसे ही आप उस वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको बार कोड नंबर भरना है, फिर आपको मोबाइल नंबर, ये जो आप कैप्चा देख रहे हैं कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर देंगे, उसके बाद प्रिंट करेंगे तो आपको यहाँ पर डाटा आ जाएंगे अर्थात कि आपका मेरिट लिस्ट जब जारी होगा तब आ जाएंगे। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में आप क्लियर समझ चुके हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपका 2 लिंक जारी कर दिया गया इस मेरिट लिस्ट को लेकर, तो आपका मेरिट लिस्ट कुछ ही समय के बाद आपका जारी हो जाएगा, कभी भी, फिलहाल आज भी जारी हो सकता है, कल भी जारी हो सकता है। आपका बिहार में पूर्ण रूप से सभी कार्य आपका समाप्त कर लिया गया आपका मेरिट लिस्ट में। आपका डाउनलोड इंटीमेशन लेटर का यहाँ पर लिंक भी दे दिया गया, स्लाइड अप का भी विकल्प दे दिया है, तो आप क्लियर समझिए 1 से 2 दिन के अंदर में आपको मेरिट लिस्ट जारी हो जाएंगे, तो आप क्लियर समझ चुके हैं। तो यही मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा था इस वीडियो में। जैसे एक अगला अपडेट आएगा मेरिट लिस्ट अगर आपका जारी होगा, कभी भी फिलहाल अभी इसका जारी नहीं हुआ है क्योंकि मैं यहाँ पर क्लिक करके दिखा देने जा रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से एरर आ रहा है, यानी कि इसका डाउनलोड कंप्लीट कर दिया गया, सभी का कार्य यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, तो कभी भी आपका मेरिट लिस्ट जारी हो जाएगा, तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, आपको मेरिट लिस्ट जैसे ही आएंगे उसका जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा। तब तक के लिए इतना कार्य कर लीजिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।